हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आज हम जिस एक्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। फ्रेंड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदूज, रिमेंबर देर आर फोर मेजर एक्ट्स विच आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द हिंदू लॉज। देर इज अ डिमांड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय अ डिफरेंट पर्सनल लॉज। सो फॉर हिंदूज वी आर हैविंग हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। सो दीज आर द फोर मेजर एक्ट्स फॉर हिंदूज। दीज एक्ट्स आर एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू हिंदूज। अ पर्सन हु इज हिंदू, ही इज गोइंग टू बी गवर्न बाय दीज लॉज। सो दीज पर्सनल लॉज आर बेस ऑफ हिंदू लॉज। ओके, द फर्स्ट एंड द मेजर एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस एक्ट में बताया गया है कि अ पर्सन हु इज हिंदू, कि एट फर्स्ट द एक्ट इज एप्लीकेबल टू हिंदूज, हिंदूज पर एप्लीकेबल है। दूसरा, हिंदू कौन है। तीसरा, कि हिंदू, अगर दो हिंदू आपस में विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू गेट मैरी, तो उसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, व्हाट आर दी एसेंशियल कंडीशन। देन अगर हिंदू रीति से विवाह हो जाता है तो व्हाट आर दी मैट्रिमोनियल रिलीफ्स अवेलेबल टू दी पार्टीज। शादी के बाद कौन कौन से तरीके हैं जो अवेलेबल है पार्टीज को, द पार्टी शुड बी हिंदू। ओके, फॉर एग्जांपल, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सेक्शन 10 टॉकिंग अबाउट जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 13 टॉकिंग अबाउट डाइवोर्स। इसके अलावा वैलिड मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज क्या है, वॉइडेबल मैरिज कब मानी जाएगी, जहां पर दोनों ही पक्षकार हिंदू हैं, उसके बारे में सेक्शन 11 और 12 बताता है। डाइवोर्स के लिए पिटीशन कब फाइल की जाएगी, टाइम लिमिट बताया गया है। अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो कौन कौन से मेंटेनेंस से रिलेटेड जो राइट्स है वो अवेलेबल है। अगर एक व्यक्ति दो शादियां करता है, एक बार वो हिंदू मैरिज एक्ट में वो मैरिज कर चुका है, उसके बाद वो फिर से दूसरी शादी करना चाहता है और वो कर लेता है, तो ये बाइगेमी का या द्विविवाह का अपराध होगा, तो उसके लिए सजा का प्रावधान कहाँ है। और इसके साथ ही सेक्शन 24-25 के अलावा कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संरक्षण से रिलेटेड जो नियम है वो इस एक्ट में बताए गए हैं। तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि जनरली ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये वैलिड और वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से रिलेटेड प्रोविजंस की बात करता है। और ये सारे प्रोविजन काम में कहाँ आते हैं, जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं। इफ वन लेडी इज अ लीगली वेडेड वाइफ ऑफ हर हस्बैंड, शी इज एंटाइटल टू गेट प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, शी इज हैविंग अ राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड इफ हस्बैंड डाइज इंटरस्टेट। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। बेसिकली लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। इन अवर डेली लाइफ यू मे फाइंड सर्टेन एग्जाम्पल्स के पर्सन इज हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम, अ पर्सन इज अ हिंदू, देर इज अ मैरिज ऑफ दैट पर्सन टू टाइम्स विद टू डिफरेंट हिंदूज। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वेन वी आर सीइंग द सेम फैक्ट विद द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इनवैलिड, एक्चुअली इट इज वॉइड। ओके, तो दूसरी शादी वॉइड मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, इसमें हर एक शब्द अपना एक निश्चित अर्थ रखता है। तो हम इसकी एक्ट की शुरुआत करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन नंबर 1 ऑफ द एक्ट इज टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे भारत के क्षेत्र पर अपना क्षेत्राधिकार रखता है, केवल जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर। लेकिन इसके बाद एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी, द पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी एंड विच दिस एक्ट एक्सटेंड इट एंड दे आर लिविंग आउटसाइड द इंडिया, द एक्ट इज इक्वली एप्लीकेबल टू दोज पर्सन। अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, हिंदू से बाहर जाकर अगर रहना शुरू कर देता है, तो जो प्रोविजन है वो उस पर भी एप्लीकेबल होंगे इस एक्ट के। ओके, तो यह हिंदुओं पर
पहली बात, ये हिंदुओं पर एप्लीकेबल है. ओके, हिंदू टेरिटोरी ऑफ इंडिया में तो एप्लीकेबल है ये, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर राज्य को आपको इससे बाहर रखना होगा. तो ये सेक्शन 1 टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट, कि इसका विस्तार कहाँ तक है भारत पर, और इसके अलावा भी अगर भारत के डोमिसाइल लोग अगर भारत से बाहर जाते हैं तो ये एक्ट इक्वली एप्लीकेबल होगा. एंड सेक्शन 2 इज टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, किस पर, किन लोगों पर, उसका विस्तार और नाम हमने देखा सेक्शन 1 में. सेक्शन 2 में कहा गया है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. तो ये याद रखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल है. हम बार बार एक शब्द की व्याख्या करते हैं, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू हिंदू. ओके, हिंदू शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो हिंदू किसी धर्म, किसी संस्कृति या किसी रिलीजन का पर्याय नहीं है. सबसे पहले जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, सिंधु नदी के किनारे रहे, लेकिन उनका जो उच्चारण था सिंधु नदी का वो हिंदू था. बहुत से भारत में भी बहुत से प्रांत हैं जहां स को ह कहकर उच्चारित किया जाता है. तो ओनली बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन द प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड सिंधु, द पर्सन हु वर लिविंग एट द बैंक ऑफ द रिवर सिंधु, दे वर कॉल्ड हिंदू. जो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहे वो सिंधु कहलाए, और वास्तविकता में केवल उनके उच्चारण में भिन्नता होने के कारण हमने उन्हें हिंदू की संज्ञा दी. ओके, तो बेसिकली हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, क्योंकि इसमें जब हम डेफिनेशन देखेंगे, जो किसी और धर्म में नहीं आता है उसे हमने हिंदू मान लिया है. ओके, तो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले हिंदू कौन है, तो एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू हिंदू. जो व्यक्ति हिंदू है उन पर यह एक्ट अप्लाई होगा, लागू होगा. दूसरी बात, अब हिंदू कौन है, तो हिंदू में हमने जिन जिन कैटेगरी को बताया गया है वो है वीर शैव और लिंगायत. तो सबसे पहले वीर शैव, लिंगायत, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सभी पर ये एक्ट एप्लीकेबल है. तो सबसे पहले वीर शैव, लिंगायत, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज. तो VLPAB, वीर शैव, लिंगायत, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल है. दूसरा अगर देखा जाए, पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, हु इज जैन, हु इज सिख. ओके, दूसरा, इन तीनों पर ही, जैन हिंदू है, बौद्ध हिंदू है, सिख हिंदू है, इन तीनों पर ही हम ये एक्ट अप्लाई करते हैं. ओके, जब हम बात करते हैं एक्ट के एप्लीकेशन की, तो इसमें एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई चाइल्ड है, ओके, कोई बच्चा, वेदर ही इज इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट चाइल्ड, ओके, कि हो सकता है वो धर्म संतान हो या अधर्म संतान हो, अगर उसके माता और पिता दोनों ही हिंदू हैं बाय बर्थ, वीर शैव है, लिंगायत है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज से हैं, जैन है, बौद्ध है, सिख हैं दोनों ही, तो बच्चा अपने आप हिंदू माना जाएगा. ओके, चाइल्ड वेदर ही और शी इज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, ओके, तो बच्चा हिंदू माना जाएगा. दूसरा इसमें कहा गया है कि इफ देयर इज अ चाइल्ड, दैट चाइल्ड इज लेजिटिमेट और दैट चाइल्ड इज इलेजिटिमेट एंड वन ऑफ हूज पेरेंट इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख. ओके, एक बच्चा है धर्मज अधर्मज कोई भी, उसके माता पिता में से एक जैन है, बौद्ध है, सिख है, ठीक है, या किसी भी तरीके से वो हिंदू है, और बच्चे का पालन पोषण एक हिंदू की तरह किया गया है. ओके, द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज हिंदू. तो इन दैट कंडीशन वी कैन मेक इट क्लियर दैट चाइल्ड इज हिंदू. ओके, तो चाइल्ड वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट एंड बोथ द पेरेंट्स आर सिख, जैन और बौद्ध, द चाइल्ड इज हिंदू. इवन वन ऑफ हूज पेरेंट इज जैन, बौद्ध और सिख एंड द चाइल्ड इज ब्रॉट अप एज दैट मेंबर ऑफ दैट फैमिली, एक हिंदू फैमिली के सदस्य की तरह उसका पालन पोषण किया गया है, तो दैट चाइल्ड इज ऑल्सो अ हिंदू. ओके,
देन अ पर्सन हु कन्वर्ट्स और रीकन्वर्ट्स. ओके, इसमें दो शब्द दिए गए हैं, अ चाइल्ड हु इज कन्वर्ट्स और रीकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म. ओके, कि सबसे पहले मैं एक मानी उदाहरण के तौर पे आई एम फ्रॉम द इस्लामिक कम्युनिटी. ओके, आई एम अ मुस्लिम. ओके, आई कन्वर्टेड माई सेल्फ टू हिंदुइज्म. ओके, मैंने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम से मैंने एक हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, तो उसमें मैं हिंदू मानी जाऊंगी. पहला. दूसरी चीज, रीकन्वर्ट्स. ओके, मैं हिंदू थी बाय बर्थ. ओके, मैंने क्रिश्चियन रिलीजन अपना लिया और उसके बाद में फिर से हिंदू धर्म मैंने ग्रहण कर लिया. तो प्रीवियसली आई वॉज अ हिंदू, आई कन्वर्टेड माई सेल्फ इन टू क्रिश्चियनिज्म, देन अगेन रिकन्वर्टेड माई सेल्फ टू हिंदुइज्म. तो यहाँ पे कन्वर्जन, किसी और धर्म से हिंदू बनना या हिंदू से किसी और धर्म में जाना और उस धर्म से फिर अपना ही धर्म हिंदू अपना लेना, ऐसा व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा. और लास्ट बात जो आपको यहाँ याद रखनी है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, हु इज नॉट अ क्रिश्चियन, हु इज नॉट अ पारसी एंड हु इज नॉट अ ज्यू, दैट पर्सन इज ऑल्सो अ हिंदू. तो पांचवी बात जो कही गई है, जो मुस्लिम नहीं है, ओके, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है और जो ज्यू या यहूदी नहीं है, उसे भी हम हिंदू मानेंगे. तो इस तरीके से ये दोनों बातें इसमें कही गई हैं. और सेक्शन टू में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो प्रोविज़न हम हिंदू की परिभाषा दे रहे हैं, इसमें ये किसी भी शेड्यूल ट्राइब पर एप्लीकेबल नहीं है. आर्टिकल 366 का जो क्लॉज 25 है, उसमें ये स्पेसिफिकली लिखा गया है कि इफ़ देयर इज एनी नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, they can apply these rules to a particular scheduled tribe. Otherwise, these laws are not applicable to any ST community. Okay, तो ये याद रखिएगा, एक special provision जो section 2 में दिया गया है कि article 366 में जो clause जो खंड 25 दिया गया है, उसमें हमें कोई भी नियम scheduled tribe पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. तो इस तरीके से आज हमने जो इस हिंदू विवाह अधिनियम के फर्स्ट पार्ट में देखा कि सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट एंड दूसरा जो इसमें देखा गया था कि शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्ट. तो दीज आर द टू बेसिक सेक्शंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955. इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डेफिनेशंस अंडर द एक्ट. थैंक यू.